हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही दिन बाद अपने जो गार्डन में है कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए हैं मेरे गार्डन में। मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाती हूँ, ना कुछ काम कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे आज संडे भी है तो मुझे कुछ टाइम मिला है। तो फ्रेंड्स, ये जो है कलंचो को प्लांट है, और इस प्लांट को आप देख सकते हो, मैंने इन्हें सबको पत्ती से ग्रो करा था। इसे भी पत्ती से ग्रो करा था और ये भी पत्ती से ग्रो कर रखा है। और फ्रेंड्स, इसमें देखो फ्लावर भी ब्लूमिंग होंगे, और ये आप देख सकते हो इस रूट्स, इसमें भी जो है रूट्स आ गई है। और फ्रेंड्स, ढेर सारे काम करना है मुझे मेरे गार्डन में, क्योंकि मुझे बहुत दिन बाद मैं अपने गार्डन में ध्यान दे पा रही हूँ। क्योंकि कुछ दिनों से तो ऐसे पानी भी आ रहा है यहाँ पर, तो मुझे पानी भी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी। और मैं अपने गार्डन में जो डेली का वर्क होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे 1 महीना तो हो ही गया होगा कि मैं अपने गार्डन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, मैंने इसे भी देखो कुछ टाइम पहले ही ब्रांच से लगाया था, और आप देख सकते हो इसमें फ्लावर ब्लूमिंग भी हो गए, और कितना सुंदर लग रहा है। छोटा सा प्लांट में फ्लावर निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है गिलेरिया भी बहुत आती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से उनने पूरे गार्डन में मेरे ऐसा कर रखा है कि मैंने जो पॉलीथीन्स और इनमें भी सभी में मैं नीचे सूखे पत्ते और मूंगफलियों के छिलके भरती हूँ, और उसके बाद ही कुछ थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ, और उसी में मैं अपने प्लांट ग्रो करती हूँ। उससे क्या है कि ये लाइट वेट होते हैं, और इनको बिल्कुल खाद भी अच्छे से मिलती है, और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स, गिलेरे को आप देख सकते हो, उनने पूरे काट काट के जो है सारे छिलके निकाल दिए। से सभी पॉलीथिन्स में उनने ऐसा ही किया, तो मुझे सबको निकालना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, इस तरह से गिलेरिया भी बहुत नुकसान कर देती है, और फूल वगैरह सभी को जो बहुत तोड़ देती है। फ्रेंड्स, मेरे गुलाब का बहुत अच्छा फ्लोवर आ रहा था, और आप देख सकते हो कल मंकी आए थे तो पूरे फ्लोवर ही खराब करके चले गए। और फ्रेंड्स, एक ये लेडीज पत्थर चट्टा कितना सुंदर प्लांट लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी पत्तियाँ हेवी होती है, और हेवी की वजह से टूट गया है मेरा प्लांट, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मेरे पूरे गार्डन में जो है प्लांट, इसकी पत्तियाँ बहुत ही अलग थी। ये बहुत ही अच्छा प्लांट था, अलग सा दिखता था, क्योंकि इतनी लंबी लंबी पत्तियाँ हैं इसकी, और फिर इनमें से आप देख सकते हो बेबी, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो ये पूरा टूट गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसका वेट बहुत ज़्यादा ही है, तो इसकी ब्रांच टूट गई है। कितना सुंदर लग रहा है इसे अगर इस तरह से हैंगिंग कर दिया जाए तो। और इसी के ऊपर ये भी लगा हुआ था, यहाँ पर इस तरह था पूरा ये प्लांट। तो ये छोटे छोटे बेबी प्लांट मुझे वापस से ग्रो करने पड़ेंगे, इन्हीं में से बहुत सारे लग रहे हैं। देखो, मैंने ये इसमें ग्रो कर रखा था, और यहाँ से जो है टूट गया है। और फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे बेबी प्लांट मैंने इसमें भी लगा रखे हैं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत टाइम हो गए मेरे प्लांट की पिंचिंग के, और ये फ्लावर ऑरेंज कलर में ब्लूमिंग होते हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं इनके फूल। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आ पाती, उस वजह से फूल अच्छे से ब्लूमिंग नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे देखो फ्लावर ब्लूमिंग होते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे प्लांट कितने ज़्यादा ही थोड़े ख़राब होने लग गए इनकी पत्तियाँ। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अपने प्लांट में। क्योंकि जो डेली का वर्क होता है फ्रेंड्स, हमें बहुत ही करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे प्लांट्स, आप देख सकते हो प्लांट पूरा इस तरह से लटक गया है। मुझे मेरे सारे प्लांट को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। और मैंने कुछ फलियां इन पे बनने के लिए छोड़ी थी, अभी तो नहीं सूखी है। आप देख सकते हो कितने सूखे पत्ते और ब्रांचेस, मुझे अभी इनकी पिंचिंग करना है। इसमें भी छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं।
फ्रेंड्स, इस तरह बहुत सारा काम होता है जो हमें अपने गार्डन में टेली करना होता है। और ये जो गुलाब की मैंने ब्रांचेस लगाई थी फ्रेंड्स, मेरे बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। ये वाली तो निकालनी पड़ेगी। और मेरे इसमें फ्लावर भी आया था रेड वाला, छोटी सी ब्रांचेस में। ये पता नहीं फ्रेंड्स काय का प्लांट है, पर मैं अभी नहीं निकालूं। और ये इस पे मैंने जो सीड्स सूखने के लिए रख रखे थे फ्रेंड्स, तो अभी तो थोड़े और गीले हैं। ये देखो अभी बारिश हुई जिससे भी थोड़ा ये इस तरह से हो गया गीला। फ्रेंड्स मुझे नीम ऑयल स्प्रे किए भी बहुत तो एक दो मंथ हो गए, तो मुझे आज नीम ऑयल भी स्प्रे करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे जो तुलसी के प्लांट है उसमें भी कितने सीड्स बन गए हैं, तो इन सबको मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्लांट सूख जाएगा और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। ये मैंने ब्रांचेस लगाई थी तो अभी ग्रो नहीं हुई है फ्रेंड्स। मैं जो अभी नर्सरी से प्लांट लाई थी जिसमें बहुत ही बड़े फ्लावर आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसे कल ही रिपोर्ट करा है,